Good afternoon to all of you, principal, sir, teachers, family, friends, everyone. Already बहुत late हो गया है तो हम ज़्यादा time नहीं लेंगे अब. अब मम्मा के बारे में क्या बोले, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें एक बुक लिखी जा सकती है उनके ऊपर एक्चुअली. पर जैसे आप लोग ने सब ने कहा कि इंस्पिरेशन मोटिवेशन, सो वही पर्सनैलिटी उनकी घर पर भी रिफ्लेक्ट होती है हमारे लिए. तो उन्होंने हमें भी हमेशा यही सिखाया है कि जो भी काम करते हो तुम उसको पूरे डेडिकेशन से हार्डवर्क से करो, क्योंकि आपकी जो पहचान होती है वो आपके काम से होती है, और आप जो आपका रिस्पेक्ट होता है वो आपके काम से होता है. तो शुरू से उन्होंने हमें यही सिखाया है. और कभी भी हमें उन्होंने स्पून फीड नहीं किया, तो उन्होंने हमें गिरने दिया, खुद उठने दिया. तो जो आज हम हैं तीनों वो उनकी वजह से ही हैं. तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, बट एक बात मुझे बहुत हमेशा याद रहती है. मैं कार ड्राइविंग सीख रही थी तो बहुत अच्छे से नहीं सीख पा रही थी, और एक दिन बहुत स्पीड में चला रही थी तो छोटा सा डॉगी सामने आ गया था, तो मैं बहुत घबरा गई थी और फिर कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था. और फिर 2 साल तक मैंने कार को हाथ भी नहीं लगाया था कि नहीं मैं नहीं चला सकती अब. फिर मैं अपने बेटे को स्कूल लेने जाती थी, रेनी सीजन बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मम्मी से मैं एक दिन ऐसे ही डिस्कस कर रही थी कि प्रॉब्लम होती है बट मुझे लगता है मैं कार नहीं चला सकती, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है. तो मम्मी ने मुझे तब एक ही बात बोली थी, मेरी बेटी होके तू ऐसी बात कर रही है, मैं 50 साल की होके पूरी इंदौर में गाड़ी घुमाती हूँ और तू इतनी यंग कॉन्फिडेंट लड़की है बोल रही है कि मम्मा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है. तो मैंने भी फिर उस बात को सोचा कि हाँ बात तो सही है. फिर मैंने फिर से शुरू किया, और वो दिन था और अब था कि मैं हाईवे पे चला लेती हूँ, इंदौर पुणे चला लेती हूँ. अब मतलब ये लोग सब मुझे ही कार चलाने के लिए कहते हैं कि तू चला. तो ये एक वही पर्सनालिटी का जो इम्पैक्ट होता है वो बच्चों पर भी आता है. और जैसे मैं भी शुरू से वर्किंग हूँ तो मुझे भी वो वर्क लाइफ बैलेंस का कभी कभी प्रॉब्लम होता था, ऐसा लगता था कि नहीं कर पाऊंगी. तो मैं हमेशा मम्मी को याद करती थी उस टाइम कि उन्होंने अकेले 3 बच्चे, घर, जॉब, सोशल रिलेशनशिप, बाहर काम, सब कुछ इतने अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है. तो वो अगर 3 बच्चे पाल सकती हैं तो मैं एक तो पाल ही सकती हूँ. तो उनका जो भी रहा है शुरू से, जब हम छोटे थे तो इतना नहीं समझ में आता था, बट जब मैं उस फेज में आई, जब मैं वो सब हैंडल कर रही हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि उन्होंने जैसे सब कुछ हैंडल किया है, इट्स रियली कमेंडेबल. मतलब सीरियसली हैट्स ऑफ टू हर फॉर हाउ शी हैज हैंडल्ड एवरीथिंग इन हर लाइफ. और मुझे एक बात बोली थी, कभी कभी उनकी कुछ क्वालिटीज जो आप लोगों ने कही हैं वो हम लोगों के लिए थोड़ी डिसएडवांटेज. जैसे सब लोग परफेक्शन की बातें कर रहे हैं, नो डाउट शी इज परफेक्ट इन एवरीथिंग, तो वो क्या होता है ना, घर में भी प्याज काटने में भी अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो मम्मा को प्याज भी उसी शेप में चाहिए, इस शेप में उनको चाहिए. तो लंबे क्यों काटती है तुमने, स्क्वायर क्यों नहीं काटे, ऐसा क्यों नहीं. तो कभी कभी हम ऐसे हो जाते हैं कि आप भी कर लो, ये आप भी कर लो. और जैसे सबने कहा कि ब्रिलियंट टीचर है, नो डाउट शी इज अ ब्रिलियंट टीचर. तो जब मैं भी KV1 में थी तो हर टीचर्स डे पे मैं देखती थी, ढेर सारे ग्रीटिंग कार्ड्स, फ्लावर्स, बच्चे सब बहुत देते थे, तो मुझे भी पता है कि वो बहुत अच्छी टीचर है. तो जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हम चाहते थे कि हम उनसे पढ़े, हम मिस करते हैं कि हमने उनसे क्यों नहीं पढ़ा, पर हम तीनों कभी नहीं चाहते थे. तो हम तीनों नहीं चाहते थे कि वो, मैं तो स्पेशली बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मम्मी मेरी टीचर बने. मैं वैसे मैथ साइंस लिख तो बच गई क्योंकि वो स्ट्रिक्ट है, हमें पता है, तो क्लास में तो हालत खराब हो जाती, मस्ती भी नहीं कर पाती मैं, कुछ नहीं हो पाता. तो ये एक ड्रॉबैक भी था कि वो हमारे स्कूल में थी तो कंप्लेन पहले ही चली जाती थी, आपकी बेटी का ध्यान नहीं लग रहा है आजकल पढ़ने में, इस बार अच्छे नंबर नहीं आए हैं. स्टाफ रूम में ही मेरी कॉपी मम्मा से डिस्कस हो जाती थी, मेरे को पता चलने से पहले. बट जो भी है, वी ऑल अग्री कि शी इज ब्रिलियंट इन एवरीथिंग, शी इज अ परफेक्शनिस्ट, और वो जो भी करती हैं पूरे दिल से डेडिकेशन से करती हैं.
जैसे वो है वैसा ही उन्होंने हमें भी सिखाया है हमेशा। बट एक बात है कि मैं मतलब सब लोग कह रहे हैं कि मैम आप जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मम्मी रिटायर हो रही है। क्योंकि क्या होता था कि कई बार जैसे मैं पुणे में वर्किंग हूँ तो कई बार मुझे ऐसा लगता कि मम्मी आ जाए कुछ टाइम के लिए, तो वो हमेशा अपने जॉब में बिजी होती थी। तो जैसे मैं छुट्टियों में बोलती थी कि अब तो छुट्टी लगी अब आ जाओ, तो अरे बेटा यहाँ सेमिनार है, वहाँ वर्कशॉप लगा दिया, वहाँ टीचर ट्रेनिंग है, कॉपी चेक करने जाना है, तो उनके पास कुछ ना कुछ हमेशा होता था कि वो नहीं आ पाती थी। तो अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि चलो ठीक है, अब वो रिटायर हो रही है, मेरी जब मर्जी अब मैं उनको बुला लूंगी कि अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं, अब आओ आप। तो हमें बहुत खुशी हो रही है, बट आई एम श्योर उनके लिए मिक्स्ड फीलिंग्स होंगी कि उनको भी अच्छा तो लग रहा होगा, बट डेफिनेटली वो मिस करेंगी, क्योंकि हमें पता है वो बहुत अटैच्ड हैं, ये ही उनकी काइंड ऑफ सेकेंड फैमिली है। तो वो बहुत अटैच्ड हैं स्कूल से, टीचिंग से, आप लोगों से, तो वो पक्का मिस करेंगी। बट मुझे पता है वो घर में बैठने वाली नहीं है, तो शी डेफिनेटली डू समथिंग, कुछ रिटायरमेंट प्लान्स होंगे जो हमें नहीं बताए गए हैं अभी तक, लेकिन होंगे। तो आई एम श्योर कि आगे भी वो जो भी करेंगी ना उसमें भी वो एक्सेल करेंगी, एंड वी विश हर अ हैप्पी रिटायरमेंट एंड अ वेरी हैप्पी न्यू इनिंग्स ऑफ हर लाइफ। थैंक यू। Yeah.